Hi guys, uh, hope you all are well. So, I welcome you all to learn with Diamond Door. So, this is the next case study which is related to the part 4 of the chapter 9 business study. Right? So, this is um, now let's begin with the first case study. Explain whether the following manufacturing concern. रिक्वायर लार्ज और अ स्मॉल वर्किंग कैपिटल सो फर्स्ट इज अ फ्यू कैटेगरीज गिवन इन द क्वेश्चन और उसके लिए आपको बताना है कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है या फिर कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो फर्स्ट इज द ब्रेड अभी ब्रेड ना मतलब इसमें क्या है ऑपरेटिंग साइकिल बहुत स्मॉल होता है ठीक है ना तो इसके अंदर द प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर अ कैश देर इज नो नीड टू मेंटेन अ इन्वेंट्री इन द प्रोडक्शन साइकिल इज शॉर्ट एंड देयर दैट इज क्विक कैश टर्न ओवर और इसके अंदर हम लोगों को बहुत मतलब बहुत जल्दी जल्दी पैसे मिलते रहते हैं क्योंकि आपने अभी देखा है कि उधार ब्रेड दे दो तो उधार तो मिलता है तो एक दिन का मुश्किल से उसके बाद आप कल तो पैसे ले ही लेते हो ना तो इसके अंदर आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट इज दी शुगर इसके अंदर हम लोगों का जो uh... आपका जो साइकिल रहेगा ना वो लार्ज रहता है और हमको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होती द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मेटीरियल टू बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज क्वाइट हाई एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मेटीरियल इज सीजनल दैट्स वाई वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल इन दिस केस नेक्स्ट इज द कूलर इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत होती है बिकॉज इट इज सीजनल प्रोडक्ट फुल सीजनल जब गर्मी होती है तभी हमको काम है जब सर्दी आ जाएंगे तब उसका दाम ही सस्ता हो जाता है ना दर फिर इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल टू स्कोर द आउटपुट ड्यूरिंग द नॉन सीजन पीरियड नेक्स्ट इज द फर्नीचर मैनुफैक्चरिंग अगेंस्ट ऑर्डर जिसके हमारा स्मॉल रहता है बिकॉज इट इज क्विकली कन्वर्टेड इन टू द कैश सेल्स क्योंकि बहुत जल्दी आप मतलब फर्नीचर बहुत कम लोग ही उधार पर खरीदते हैं एडवांस फ्राम दी कस्टमर के एडवांस ही मिल जाता है बिकॉज कस्टमाइजेशन चाहिए होती है हमको ऐसा बेड चाहिए हमको वैसा बेड चाहिए इज ऑल्सो अवेलेबल टू एंड इट डज नॉट रिक्वायर टू मैंटेन इन्वेंट्री इन्वेंट्री इसके अंदर उतनी मेंटेन नहीं करनी पड़ती कि आपको दस दस हज़ार फर्नीचर के यू नो अलवीराज एंड बेड मेंटेन करके रखने ऐसा नहीं होता कुछ भी नेक्स्ट इज दी मोटर कार्स एंड द स्कूटर्स जिसके अंदर में लार्ज होता है बिकॉज द प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग एंड दीज आर कॉस्टली आइटम एंड एंड मैनुफेक्चर इन द लार्ज स्केल सो द फंड्स आर फंड फॉर द लॉन्ग पीरियड और फंड हमारे ब्लॉक हो जाते हैं इसके अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल की सॉरी इसके अंदर हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट इज द क्लोथ जिसके अंदर ऑल्सो लार्ज होता द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेरियर टू द टोटल कॉस्ट इज हाई वो एवर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोथ्स आर मैन्यूफेक्चर्ड इन डिफरेंट सीजन सो द इन्वेंट्री रिक्वायर मोर इसलिए इसके अंदर हमें जो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है ना वो ज़्यादा रहती है नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल केमिकल अगर हमें इंडस्ट्रल कैमिकल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें लार्ज होता है बहुत ज़्यादा हमको वर्किंग कपिटल की जरूरत पड़ती है बिकॉज दिस कमिकल आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्कैल एंड सोल्ड मोस्टली ऑन द क्रेडिट बेसिस हमको क्रेडिट बेसिस पर मिलता है ये एंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स आल्सो आर टू भी अलाउट देख रो जिसके अंदर लिबरल अगर क्रेडिट पॉलिसी है तो वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल और जिसके अंदर लिबरल लिबरलनेस हमारी कम है उस केस हमको कम चाहिए होता और एक हमारा Uh, जो हम लोगों का ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक है सीजनल प्रोडक्ट है सीजनल नहीं है इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिक्स आपको वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम सो इट्स ऑल अबाउट दी केस स्टडी नाव वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ टू कॉमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू बाय टेक केयर